और ये बेस कैंप देखो भाई हमारा कितना ज्यादा खूबसूरत है। रास्तों का जो है भैया कुछ समझ तो आ नहीं रहा। ये होते हैं ना वो छोटे को बुटकू प्यारे प्यारे तेरी इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया माहौल, और भाई लोग जो मिले अपने यार दोस्त जो बने वो भी कमाल के बने। भाई साहब मुंह तो ना कुछ और नहीं करना, तो बैठे हो तुम ऐसे यहाँ पे। ट्रैक पे जाने के लिए भी हम लोगों को बैग और ये गेटर्स और ये वाटरप्रूफ कवर वगैरह अलॉट किए हैं सर ने। भाई यहाँ चेक करो मंडी लग चुकी है पूरी की पूरी। हाँ ये है कि फॉरनर्स बहुत दिख रहे हैं, अब वो तो भैया लेना नहीं है मुझे। ये स्नो पीक्स हैं भाई यहाँ पर बहुत जबरदस्त। भाई डिनर का टाइम हो गया पैकिंग करते करते। हे गाइस वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ व्लॉग। आज की जो ये वीडियो है बेसिकली इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे आया हूँ और कैसे मैं आगे चीजों को लेकर जाऊंगा और कैसे चीजें होंगी। ये रहे हमारे सर जी जो हमारे साथ लेके जाएंगे हमें ट्रैकिंग पे, और इनकी गाइडेंस में सारा कुछ होने वाला है। बाकी ये अपना पूरा अभी बेस कैंप साइट है, दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी हमें निकलना है थोड़ी सी छोटी ट्रैकिंग के लिए जहाँ हम करेंगे प्रैक्टिस, मतलब एक वार्म अप समझ लो इसको। और ये बेस कैंप देखो भाई हमारा कितना ज्यादा खूबसूरत है। इधर है माउंटेन्स बादलों के साथ भैया, अलग ही लेवल के बादल यहाँ पे दिख रहे हैं और कैंप प्यारे प्यारे से। और इस तरफ अगर देखोगे भाई साहब तो इस तरफ जन्नत वाली फीलिंग कहूंगा मैं तुम्हें। ये देखो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जो है माउंटेन्स कवर्ड है भाई आइस के साथ, ये स्नो पीक्स हैं भाई यहाँ पर बहुत जबरदस्त। और पूरा का पूरा यहाँ पर भैया हमें 3 टाइम का खाना पीना मिल रहा है। और अभी अपना कैंप भी दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, हमारा कैंप किस तरीके का है। एक कैंप के अंदर हम 4 लोग स्टे कर रहे हैं, तो इस तरीके से 4 गद्दे लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट और एक बल्ब लगा हुआ है। दिन में थोड़ा सा ये वार्म है लेकिन रात को मुझे लगता है यहाँ पर जबरदस्त ठंड होने वाली है। और इस मस्त सी ग्रीनरी के बीच भाई साहब हम रह रहे हैं, मतलब इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया माहौल, और भाई लोग जो मिले अपने यार दोस्त जो बने वो भी कमाल के बने। तो पूरा का पूरा जो आगे आगे जो वीडियोज डालूंगा, मतलब मैं रोज एक वीडियो डालूंगा समझ लो आप, रोज या 2 दिन में या 3 दिन में, तो वो रोज आप देखोगे एक एक डिटेल आप लोगों को रोज मिलेगी और उसमें आएगा काफी ज्यादा मजा, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल चीजें करने वाले हैं हम, मतलब अपनी लाइफ में मैं संदीप भाई साहब जी और मेरे वो उधर जो भाई लोग हैं इधर, ये लोग भी, मतलब आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं कोई ऐसा ट्रैक, और मेरे भाई आप क्या करने हैं फर्स्ट टाइम आपका भी, मतलब सबका फर्स्ट टाइम है भाई। तो सोचो कि कितना ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब एक्साइटमेंट लेवल जो है ना यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है। और भैया सर जी जो है हमारे साथ ये हमें लेके जाएंगे हर जगह, पूरे इनकी गाइडेंस के अंदर होने वाला है, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा। तो आज का वार्म अप भी दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे कि देखो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच भी हो चुका है, मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि यार आलस में था बस से। बस का जो ट्रैवल है ना भाई वो थका देता है, नींद आपको पता है कैसी आती है। तो डिनर दिखाऊंगा और कल मॉर्निंग में भी जो कुछ होगा वो दिखाऊंगा, बने रहना सारी वीडियोस देखना, बहुत मजा आने वाला है। जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं अपना वार्म अप करने भाई, वहां पानी की आवाज आ रही है बहुत अच्छी सी, पानी बह रहा है और ये रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे कहते हैं भाई नेचर की गोद में वॉक करना। सर ने कहा था वार्म अप करवाएंगे, सोचा था क्या ही हो सकता है, नहीं क्या ही होगा, लेकिन अब दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अभी भाइयों ये बस शुरुआत है, वहां नीचे से आए हैं और ये ऐसे रस्तों में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आवाज और सांसों की आवाज सुनो मेरी, पता लग रहा होगा कितनी कैपेसिटी है मेरी और कितना टफ होने वाला है, लेकिन भाई मजे तो पूरे आने वाले हैं। छोटी सी डेस्टिनेशन कवर हुई है, बिल्कुल छोटी सी, पीछे का नजारा और बढ़िया, और उसमें हालत देखो इनकी, हालत दिल लग रहा है भैया गले में आ चुका है। और सर कह रहे हैं अभी तो बस भाई थोड़ा ही ऊपर आए हो, अभी तो थोड़ा और जाना है, लेकिन भाई एक ही चीज का मजा आया, पता पैसा वसूल चीज क्या है, ये जो है ना भैया स्नो पीक्स, ये देखो पास से, ये है भैया एक नंबर चीज, ये देख के होता है दिल खुश और मोटिवेटेड। और ये लोग तो फिर चल पड़े, मैं रह गया पीछे। सर एक बात बताओ, ये जो फॉरेस्ट में हम घूम रहे हैं, मिलते हैं कुछ एनिमल्स वगैरह? नहीं ऐसे ग्रुप्स में चलेंगे तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, अगर एनिमल्स को देखना है तो शायद अकेले में आके उनका शिकार बनना पड़ेगा कह रहे हैं। वो भी अपने हाँ, देख ले वे। वो हमें देख लेंगे, हम उन्हें नहीं देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि क्या करना है आगे। लेकिन वैसे यहाँ पर लिपट वगैरह है जैसा आप बता रहे थे, काफी ज्यादा आए कभी आपके सामने? एक्चुअली ये जो एरिया है ना, ये कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है। तो हम मतलब अभी मेन जंगल में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये दिखने का है, सैर सपाटा नहीं है, मेन जंगल असली वाला रियल वाला। और ये बताने के बाद से थोड़ा और डर रहा हूँ यार मैं। रास्तों का जो है भैया कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बस फॉलो करते चलना है, कहीं पे ढलान है कहीं पे चढ़ाई है, और ये थोड़ा सा टफ है, देख रहे हो कितनी ज्यादा ढलान है। सर देखो यहाँ पे आराम से जा रहे हैं और गीला भी है ये, पैर फिसला तो कांड हुआ क्योंकि पत्थर मोटे मोटे हैं, और ये थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है, केयरफुली चलना पड़ रहा है यार हम लोगों को। रियल जंगल वाली फील, क्या ओरिजिनल जंगल ही है फील बोल के मैं वहम डाल रहा हूँ।
हाँ ओरिजिनल जंगल है ये, डुप्लीकेट वाला कोई सीन नहीं है। चारों तरफ देखोगे भाई, पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा, भग लेता हूँ मैं, कभी कोई आ जाए मैं अकेला ना पड़ जाऊं। कैसे कूदते फांदते हम लोग जा रहे हैं भाई, हंसी भी आ रही है डर भी लग रहा है, क्योंकि ये जो मेन जंगल है ना इसमें वो क्या कहते हैं भाई, जोंक कहते हैं ना कई लोग, और लीच भी कहते हैं, वो भी लग सकते हैं पैरों में। और ये रास्ता कुछ इस तरीके का आ गया, देखो ये झाड़ियाँ हैं, झुक के निकलते हैं नहीं तो कांटे चुभेंगे, और ये देखो रास्ता कैसा सा है, अब इसके बीच में से जाना है भाई। मज़ेदार तो है भाई, एक एडवेंचर वाली लाइफ जीने का मौका मिल रहा है आज भाई। जंगल के बीचों बीच ट्रैक कर रहे हो और यहाँ पर हमारे पीछे चीता पड़ गया, ये देखो कितना प्यारा चीता है, देखो भाग गया। अरे यार आया चीते, ये देखो यार ये होते हैं ना छोटी कू बुटकू प्यारे प्यारे, ओए तेरी मुंह थोड़ी चाटना था। नीचे की तरफ उतर रहे हैं और भाई अब ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है पानी की, बहुत तेज। और अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं भाई, इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं कसोल रिवर के पास। बहुत सही लग रहा है, ये रास्ता अमेजिंग है, ये देखो यार पत्थर चारों तरफ और इधर एक बहती हुई नदी और ठंडा ठंडा मौसम, मतलब है तो गर्मी का टाइम लेकिन हवा चल रही है, ठंडी ठंडी चिल वाइब आ रही है और हम फुल मजे में अपने ट्रैक को एंजॉय कर रहे हैं। मुंह धोना इसलिए जरूरी था, कुत्ते ने पूरा मुंह चाट लिया यार, सर ने परमिशन दिए तो जाके सब उतरे हैं, वरना स्ट्रिक्टली मना है इधर नीचे उतरना, जाओ भाई तुम भी मुंह धो के आओ। बहुत मस्त पानी है संदीप भाई, काफी सही लग रहा है। भाई साहब मुंह धोना है, कुछ और नहीं करना, तो बैठे हो तुम ऐसे यहाँ पे। भाई मेरे को अभी तक समझ नहीं आया इसको पता कैसे चल गया कि मैंने मुंह धो लिया, दोबारा स्मूच करने आ गया यार ये। भाई सबने मुंह धो लिया है लेकिन अब भारी है पानी पीने की, ये मिनरल वाटर है, प्योर है देखो। फिल्टर का पानी भी इतना टेस्टी नहीं है जितना ये लग रहा है भाई। भाइयों और बहनों पेश है आप लोगों के सामने एक और छोटी सी रिवर। अभी हम लोग एक बड़ी रिवर पार करके आए हैं, मतलब पार तो नहीं उसके साथ साथ चल के आए हैं, अब छोटी सी रिवर के साथ साथ भी चल रहे हैं ट्रैक करके, और मतलब छोटा मोटा वॉक करके गए लो जिसे हम आगे भैया मार्केट के बीच में। अब इस मार्केट में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चीजें मिस हो गई है हम लोगों से क्या मुझसे ही हुई है, जो शूज में लेके आए वो ट्रैकिंग शूज ही नहीं है, सरप्राइज मिला है। तो अभी ट्रैकिंग शूज वगैरह लेने, क्योंकि आगे चल के भैया ने क्या बताया था कि मेरा स्नो में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है ना, और हम अगर ट्रैकिंग शूज ले लेंगे कुछ पैसे लगा लेंगे तो वहां पर भाई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग से भी बच जाएंगे, लाइक स्नो में अगर पैर फिसला तो वहां का रास्ता बहुत छोटा है और समझ जाओ बस। भैया मार्केट की शुरुआत में पहुंच गए और यहाँ पर ना एक पार्क आता है इस तरफ, मतलब इस तरफ देखो दिख रहा हो तो, इसका नाम है भैया नेचर पार्क, कसोल का है। और यहाँ पर मेन खासियत क्या है, ये ब्रिज है, ये जो जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं ना उधर से रिवर आ रही है और यहाँ नीचे की तरफ जा रही है। अगर आपको रिवर का मजा लेना है तो पार्क के अंदर से एंट्री लेके 10 या 20 रुपए की एंट्री होती है, वहां से नीचे उतर के रिवर के अंदर जाके मतलब पत्थरों पे जाके बैठ के एंजॉय कर सकते हो, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। काफी देर से भाई मार्केट में भटक रहे हैं, चारों तरफ दुकानें तो दिख रही है लेकिन हमारे काम की दुकान अभी तक नहीं मिली है। हाँ ये है कि फॉरनर्स बहुत दिख रहे हैं, अब वो तो भैया लेना नहीं है मुझे, लेने तो शूज है, अब शूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ जरूर मिल रहा है यहाँ पे। पूरी मार्केट ढूंढने के बाद एंड में आके दिखाए ये, अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इसका सीन। भाई पीछे वाली शॉप में ना बात नहीं बनी, हाँ शूज का जो प्राइस बताया भैया ने 1000 रुपीज, 1000 रुपीज में ना हमने ये वाले शूज लिए थे, ये दिल्ली में पहाड़ों में थोड़ा अलग हिसाब किताब है, हिसाब किताब क्या क्वालिटी भी थोड़ी वैसे ही लग रही है तो नहीं लिया हमने। अभी नेक्स्ट पे एक भाई पहुंच चुका है, वहां जाके देखते हैं। अब जाके भाई कुछ ऐसे शूज मिले हैं, ये देखो ये पूरा रबर है और बर्फ में कहते हैं कि इसकी ग्रिप बनती है, इसके सोल को भी तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, और जो मेरे पास है लेदर, लेदर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये चीज भाई अगर कोई वीडियो देख रहा है तो नोट कर लेना कि ऐसे रबर वाले मिल जाएंगे अंकल जी की दुकान में, अंकल जी को भी देख लो, अंकल जी ऐसे क्यों देख रहे हो। ले लिया मैंने, रेट नहीं बताऊंगा, रेट अंकल बताएंगे। घूम फिर के आ गए हम लोग वापस से कैंप के अंदर, लेकिन भाई साहब ट्रैकिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है हमारी और हवा निकल चुकी है, कुछ लोग हैं जो ट्रैक करके आ चुके हैं, आप लोग आ चुके हो ट्रैक करके आ चुके हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? इट वाज ग्रेट, इट वाज फैंटास्टिक, यू मस्ट ट्राई, और वेदर इज स्टिल सपोर्टिंग अस, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली बोथ। वही तो नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर, दिस इज नॉट अ यू नो इजी ट्रैक, दिस इज नॉट फॉर द बिगिनर, दिस इज फॉर द मोर, मतलब पूरा टफ होने वाला है यार, पहले डरा रहे हैं, बट डरा रहे हैं यार ये, और इट्स नॉट लाइक दैट, हां बिकॉज़ इन माय बैच यू नो मैक्सिमम्स आर बिगिनर्स, मैं भी तो बिगिनर हूं, आई एम आल्सो, यू कैन डू इट, आई कैन, या रियली, या हाउ कैन यू से वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, या
because in my batch I'm meeting my first time. Okay. And they are all beginners. You can see in the camp number 2, all are beginners. My God. So, I can do it. Track पे जाने के लिए भी हम लोगों को बैग और ये गेटर्स और ये वाटरप्रूफ कवर वगैरह अलॉट किए हैं सर ने. बाकी अभी हम लोग ना भैया अपने ना दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हाँ भैया सामान हमने ले लिया है. सामान नहीं जिंदगी ले ली है अपनी. जिंदगी बचाने का सामान ले लिया भाई. तो भाई हो गया टी टाइम अपना यहाँ पर. और देखो यहीं पे सारा कुछ लगता है. खाने पीने का इंतजाम जो है सारा यहाँ पे होता है. और इधर अपनी सिटिंग्स वगैरह बना रखी है. टेबल चेयर लगी हुई है यहीं पे. इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ है भैया इधर ही है. सब कुछ इधर मिलेगा. खाना पीना मजे से ट्रैक को कंप्लीट करना है. चाय तो आ गई है भाई. और चाय के साथ यहाँ पर चाय पे चर्चा भी चल रही है कि कल क्या होने वाला है. मतलब कुछ लोगों को तो लग रहा है कि बैंड बजने वाली है हमारी. जैसे मैं आज ही पता लग गया था बॉडी की कैपेसिटी और औकात. लेकिन भाई करेंगे तो पूरा ही भाई. यहाँ चेक करो मंडी लग चुकी है पूरी की पूरी. मतलब अभी हम लोगों को ना एक ब्रीफिंग मिली थी जिसमें बहुत कुछ समझाया गया है. वो देख रहे हो सूटकेस घर से उसमें कपड़े पैक करके लाने में ना भाई ऐसी हालत हो गई थी कि क्या करें क्या ना करें. वो ठुसा पड़ा है और अब उसको निकाल के ऐसे वाले बैग के अंदर सब कुछ डालना है. और देखो भैया लगे पड़े हैं अपना. अभी इनका ही रहता इतना फैला हुआ है. हमारा अभी फैलेगा तो पता नहीं ये पूरा कैंप ही भर जाएगा भाई. डिनर का टाइम हो गया. पैकिंग करते करते यहाँ आ गई भिंडी मसाला वाली. ये आ गई भिंडी. ये क्या चीज है? दाल मखनी आ गई यहाँ पर प्लेट में हमारी सजती हुई. और अब खाएंगे हम पनीर की सब्जी. मटर पनीर. क्या बात है. मटर पनीर खाएंगे. डाइट लेंगे अच्छी अच्छी. इधर राइस भी है. ये किसकी प्लेट है भाई? प्लेट हटाओ अपनी. राइस लेना है मुझे. अच्छा आपकी है क्या? ये आ गई राइस. और इधर है चपाती. चपाती के साथ पापड़ रोस्टेड वाले. तो डिनर में इतना कुछ आइटम है. इसी तरीके से लंच में भी रहते हैं आइटम्स और भाई ब्रेकफास्ट में भी रहते हैं. नाइट व्यू देखो भाई हमारे कैंप का कितना मस्त लग रहा है. ये लाइट कुछ ज्यादा ही डीजे की तरह धड़धड़ धड़धड़ कर रही है. एक्चुअल में तो नहीं कर रही है. ये फ्रेम की वजह से कैमरा फ्रेम की वजह से कर रहा है. लेकिन भाई लग बढ़िया सारा है. चारों तरफ ये जो लाइट लगाई हुई है ना ये गोल वाली, ये एक अमेजिंग सा लुक दे रहा है. और पेड़ तो चमक रहा है. बाकी इस तरफ भी थोड़ी बहुत लाइटें जल रही हैं. और उस तरफ मेरे ख्याल से होटल्स वगैरह है हमारे कैंप के पीछे की साइड में. और इधर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है. पीछे हल्के फुल्की लाइट दिख रही होगी. तो माहौल एकदम रंगारंग है यहाँ पे. ये देख लो भाई क्या सीन चल रहा है इन लोगों का. मतलब आज की रात भी हमें सोने के लिए भाई ये टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग्स दिए गए हैं. और तकिया तो है ही नहीं यार. ये झुक झुक कैसे निकल रहे हैं. मैं बना नीचे की वीडियो रहा हूँ. हम लोग ना भाई पगला चुके हैं कल की चक्कर में देख रहे हो. तो भाइयों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. अभी फिर से मेरी पैकिंग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो करते हैं. और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में. क्योंकि भैया नेक्स्ट मॉर्निंग हम चारों के चारों जाने वाले हैं भैया ट्रैकिंग स्टार्ट करने. तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना. काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को. शायद ना भी मिली हो फिर भी लाइक कर देना. और आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. और भाई कुछ अलग ही करने वाले हम.